हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्लाह पास दुआ है आप सब खुश रहे, अच्छे रहे। और देखिए, आज ना मैं दाल बना रही हूँ, दाल बाटी। ये देखिए, दाल मैंने चढ़ा दी गैस पे और दाल बन रही है, और मैं बाटी बनाऊंगी, दाल बाटी। आज हमारे मेहमान आए, मेरी ननद रुक्की बाजी, तो उनके लिए ना मैं दाल बाटी बना रही हूँ। और वो ना पेपर देने आ रहे हैं, इसलिए उनका पेपर है यहाँ पर। और आप देखिए, मैं लहसुन इसमें मामदस्ते में कूट लूंगी बारीक, और इसमें कूट के और डाल दूंगी दाल में। देखिए, मैं आटा गूंद रही, आपको दिखाती हूँ। आटा गूंद के इसमें ना आटा छान रही हूँ, फिर मैं सूजी डालूंगी, आपको दिखाऊंगी। गाइस, मैंने आटा छान लिया और ये ना थोड़ी सूजी डालूंगी इसको नाप के। सूजी को मैं, ये बारीक वाली सूजी है, देखिए आप, ये कटोरी थोड़ी सी खा ली है, ये सूजी डाल लूंगी मैं बाटी काटे में। सूजी जस्ट अच्छी बनती है बाटी सूजी से। और मैं नमक डाल रही हूँ, अच्छे से मिला के। राइस बहुत अच्छी बाटी बनती है, बिल्कुल खिली खिली सी और मस्त अच्छी लगती है बाटी। चाहे ऐसे घी लगा के ऐसे कोरी खा लो बिना दाल के, ऐसे अच्छी लगती है बाटी। और इधर दाल बन रही है, देखिए आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बाटी काटा टाइट गूंद लूंगी गाइस। बाटी के आटे में जोर लगाना पड़ता है, जब टाइट घूमता है आटा से। टाइट आटे की बनती है गाइस बाटी अच्छी। देखिए आटे में कितनी सफाई आ गई। आटा गूंद चुका, मैं बाटी बना लूंगी और ये दाल जो उधर चढ़ा दूंगी मैं गैस पे, और इधर बाटी सेक लूंगी। तो जैसा देखिए आप, मैंने ना ये चढ़ा दिया बाटी सेकने का, और मैं बाटी बना लूंगी इधर। पहले इधर से तोड़ के इधर लगा दूंगी, बिस्मिल। पहला नींव से तोड़ के तो आटा थोड़ा सा पीछे लगाना चाहिए जिम्मे, बिस्मिल। और गाइस, और रुकी बाजी ना मालपुरा गेट आ जाएंगे, और वहाँ पे अरसद लेने जाएगा बाइक लेके, वो बाइक में आ जाएंगी, वो मालपुरा गेट जाएगा अरसद लेने उनको बाइक पे। देखिए है ना, मैं बाटी को देखती हूँ पलट के, अगर सिक्की हो तो पलट दूंगी, थोड़ी बहुत सिक गई, सिक्के सिक्के को पलट दूंगी, और कच्ची है इनको बाद में पलटूंगी मैं। और अभी मैं बना रही हूँ बाटी, हाथ पूछ चलते हैं इसमें। और अभी बन रही है बाटी, देखिए आप, गाइस हमने कल भी कट्टी बाटी बनाई थी, कल भी खाई थी, और आज मेरी ननद आ रही है तो उनके लिए भी मैं दाल बाटी बना रही हूँ।
गाइस मेरी ननद का ससुराल है अलीगढ़, तो अलीगढ़ से आ रही है। आपको बताना भूल गई थी उनको। ये देखिए मैंने सब बाटी बना ली और उनकी वजह से काय कर लूंगी बाटी की। अब इनको पलट पलट के सेक लूंगी, देखूंगी पलट के सीखी ऐसे सेकते हैं, उनको देखना पड़ता है बीच बीच में। गाइस हाथ भी बहुत जलते हैं। गाइस बाटियों में बार बार पलटना पड़ता है, तब सीखती अच्छी है, नहीं तो जल जाती है एक तरफ से। और इनको मैं अच्छी तरह से इसको ढक्कन लगा दूंगी, ना ढक दूंगी फिर सेक लूंगी अच्छे भाप में। गाइस दो दो मिनट में मैं बाटी को संभाल लेती हूँ, बीच बीच में देखती हूँ, और केस कम करके ढकना चाहिए इसको बाटियों को। थोड़ा गैस कम कर दूंगी मैं। और इधर देखिए आप दाल बन बढ़िया फूट चुकी है, अच्छे से बन चुकी है, और इसमें बकार लगा दूंगी मैं, फ्राई करूंगी। तो देखिए आप मैंने इसमें कढ़ाई चढ़ा दी और मैं तेल डाल दूंगी फ्राई के लिए। गाइस देखिए तेल गर्म हो चुका है, मैं डाल दूंगी लहसुन, जीरा नहीं डालते अच्छा नहीं लगता जीरा मेरे को दाल में, तो ये लहसुन डाल देती हूँ पहले मैं, तो चला लूंगी थोड़ी देर। हल्का गुलाबी होते ही मैं प्याज डाल दूंगी। ये देखिए मैं डाल लूँ प्याज और ये हरी मिर्च। और बीच में बाटी को देख लेती हूँ, प्याज हरी मिर्च लहसुन फ्राई हो चुके हैं, मैं डाल दूंगी टमाटर कटे हुए। देखिए आप बाटी को मुकुलने लग गया ये, यानी सिकने लगी बाटी अब। गाइस देखिए टमाटर मिर्ची प्याज सब फ्राई हो चुके हैं, मैं डाल दूंगी दाल में। देखिए दाल बन चुकी है। तो गाइस देखिए बाटी सिक चुकी है, ये देखिए आप। और बाटी को ना मैं इनमें इसमें छुपा लूंगी टिफिन में डाल डाल के, ऐसे चम्मच से हिला हिला के निकाल लूंगी मैं।
देखिए गाइस कितनी कड़क हो गई बाटी बिल्कुल, इसे सिक्के कोफरे की तरह बाटी बिल्कुल। गाइस देखिए दाल बाटी तैयार हो चुकी है, देखिए आप भी खाइए। ये देखिए आप दाल भी कितनी अच्छी घुट चुकी है, बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया दाल बनी है। देखिए आप वो बाटी देखिए आप बिल्कुल भी ऐसी। गाइस दाल बाटी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर यूट्यूब पर मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और कल मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़ बाय। और हम खाना खाएंगे तो आपको शेयर करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी आपको शेयर। ये देखिए आप मैंने फिर उसकी भाजी अस्सलाम वालेकुम उनके लिए बोल रही थी, और हम खाना खाएंगे। अब खाना खा लो, खा जाओ उसके पापा को साफ सलाह तो खा ले। तो भी आगे अरसद को बुला लेना, अरसद तो गए ना आपके ऑफिस गए ना, ऑफिस गए ना। चम्मच लिया थी समय गाइस, खाना खा लो आ जाओ।